सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, अभी पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, मगर मेरे घर में लाइट नहीं है गाइस। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग जानते होंगे जो लोग सेम सिटी से हो। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रील्स वीडियो बनाने के लिए। आज रील्स वीडियो मैं लवर पॉइंट में नहीं बनाऊँगा, पार्क में बनाऊँगा। ये मिला के मैं 3 बार पार्क जा रहा हूँ। 2 बार जब गया था पिछले बार, तो वीडियो तो बनाया था, मगर वीडियो फ़ोन में मेरा प्रॉब्लम था, तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता वीडियो, अचानक डिलीट हो जाता था, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो इस बार अब फिर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा वीडियो डिलीट ना हो। तो अभी चलते हैं पार्क, और पार्क में ब्लॉग भी बनाऊँगा, रील्स भी बनाऊँगा, तो आप लोगों को इसी बहाने पार्क भी दिखा दूँगा। तो अभी चलते हैं फटाफट पहले पार्क। सो गाइस, फाइनली मैं पार्क के पास खड़ा हूँ और अभी जाऊँगा अंदर टिकट लेके। तो अभी चलते हैं अंदर और पार्क भी आप लोगों को दिखाते हैं पार्क का। आप तो ये मिला के 3 बार मैं आ रहा हूँ, बस प्लीज़ इस बार वीडियो मेरा बच जाए। तो अभी चलते हैं फटाफट अंदर। सो गाइस, फाइनली मैं पार्क के अंदर आ गया हूँ, और आप लोगों ने तो शॉर्ट देख ही लिया होगा पार्क का। तो मैं तब से वही बना रहा था, और मैं बहुत सवेरे आया हूँ, कम से कम अभी 4 बज रहे हैं और बहुत धूप है, तो इसलिए लोग उतने दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं आपको और दिखा दिया पार्क का, अभी एक चीज़ और बाकी है, वो चीज़ नहीं दिखाया हूँ, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा ये पार्क। और अभी मैं एक लोकेशन देख रहा हूँ, कहीं अगर बढ़िया लोकेशन मिल जाए तो वहाँ मैं रील्स वीडियो भी बनाऊँगा। तो अभी मैं वही इधर उधर भटक रहा हूँ पार्क में। तो अभी चलता हूँ, एक माल्टिनो टावर आप लोगों को दिखाना है, तो अभी तो ये दिखा दिया, तो अभी चलते हैं आप लोगों को माल्टिनो टावर दिखाता हूँ। तो गाइस, यही है वो माल्टिनो टावर जो मैं आप लोगों को बता रहा था, एक टावर दिखाना है। तो ये पार्क में ये बना हुआ है, ये मतलब ऐसा टावर है, इसके बारे में बताया जा रहा था कि मतलब बताया जाता है कि ये टावर को रातों रात बनाया गया है, जब संथाल द्वारा मतलब जब संथाल आदिवासी द्वारा जब आंदोलन हो रहा था, तो उस पर अंग्रेज़ों ने उस पर नज़र रखने के लिए, संथाली लोगों पे नज़र रखने के लिए ये टावर को कम से कम एक रात में रातों रात बनाया गया था ये टावर। और 1856 ईस्वी में ये टावर को बनाया गया था, और आज भी आदिवासी लोग, संथाली लोग हूल दिवस के अवसर पर यहाँ आते हैं और इस टावर को देखते हैं। और इस टावर में कम से कम गाइस 2 खिड़की है, एक खिड़की इधर है और एक खिड़की पीछे साइड है, अगर वो दिख जाए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक खिड़की इधर है और ये गेट है, और एक खिड़की पीछे की ओर है, अगर दिखा तो गाइस पक्का दिखा दूँगा, नहीं दिखेगा गाइस इधर से। तो एक जस्ट उसके सामने ही एक खिड़की बना हुआ है, और इसमें जो ये जो छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये छेद, ये कम से कम ये 52 को छेद दिए हुए हैं इसमें, इसमें 52 छेद है, ताकि अंग्रेज़ संथालों के ऊपर गोली चलाते थे इसी टावर के द्वारा। और ये 2 खिड़की जो है उस पर ये नज़र रखते थे। तो एक खिड़की तो दिखा, एक खिड़की शायद आप लोग देखो गाइस, यहाँ से आप लोगों को दिखेगी, ये देखिए वो है एक खिड़की, और एक ये खिड़की है, वो छेद से वो दिखाई दे रही है, वो उसके पीछे वाली खिड़की। तो ये बनाया गया था, और ये एक दिन में तैयार हुआ है गाइस, मतलब एक दिन क्या, एक रात में तैयार हुआ है।
कोई देख के बता नहीं पाएगा कि ये रातों रात ये जो ये मल्टीनो टावर है ये तैयार हुआ था। ये संथालों पे नज़र रखने के लिए अंग्रेज़ों ने इस टावर को बनाया था, वो भी रातों रात। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा, यही है वो मल्टीनो टावर, और इस टावर को कम से कम गाइज़ रातों रात बनाया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइज़, रातों रात तो वो भी इतना बड़ा टावर कैसे कोई बना सकता है। जब अंग्रेज़ों ने जब हम लोगों पे तो अत्याचार किया ही था, आप लोगों को पता है, जब देश गुलाम था 200 साल तक, तो आदिवासी लोगों पर भी अत्याचार करते थे। जो भी हो, उस समय जात धर्म नहीं देखा जाता था, किसी पे भी अत्याचार करना शुरू कर देते थे। बट जब संथाल तो वो लोग जब आंदोलन करने लगे तो उन पे नज़र रखने के लिए रातों रात ये टावर बनाया है गाइस, रातों रात, वो भी एक रात में ये टावर को बनाया गया है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस कैसे, मतलब मैं जब इनके बारे में जाना, ये टावर के बारे में जाना, तो मुझे सही में बिलीव नहीं हुआ यार, कैसे हो सकता है रातों रात टावर कैसे बन सकता है, वो भी एक रात में। तो जब देखा इसके बारे में, जब पढ़ा हिस्ट्री, तो पता चला सही में ये रातों रात ही बना था। और ये जितने भी ये छोटे छोटे जो छेद दिखाई दे रहे हैं, इस पर अंग्रेज़ों ने संथालों के ऊपर गोलियाँ चलाते थे इसी छेद के द्वारा। ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये सब, ये कम से कम ये 52 छेद है ये पूरे मल्टीनो टावर में, और 2 खिड़की है और एक गेट है जो ये इधर से ये अभी लॉक कर दिया है गाइस। और अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ, तो गाइस ये देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और अभी तो ये लॉक है, तो अभी अंदर कैसे दिखाऊँ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फ़ोन को अंदर घुसा लेता हूँ, अंदर से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, यही है वो टावर, ये देखो है ना, ये गाइस एक इधर खिड़की है और एक इधर खिड़की है, और यही है वो टावर, और इसमें कम से कम 52 छेद है, और अंग्रेज इसी छेद से संथालों के ऊपर गोलियां चलाते थे। और ये टावर गाइस रातों रात बन के ये तैयार हुआ है एक रात में। और अभी तो ये थोड़े पार्क का ही कुछ सामान वामान ये सब टूटा फूटा रखा हुआ है, ये तो ऐसे ही गंदगी फैला हुआ, साफ़ सफाई नहीं होता ये कहीं, क्योंकि लॉक है। लॉक इसको इसलिए किया गया गाइस क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो पार्क में क्या होता है, जो लवर पेशेंट होते हैं वो ये सब जगह पे आते हैं, कुछ से कुछ हरकत करने लगते हैं, इसलिए इसको लॉक कर दिया गया गाइस। तो यही है वो टावर गाइस, देख लो आप लोग एक बार फिर, कोई नहीं बोल सकता गाइस ये रातों रात ये बन के तैयार हुआ है। इस बोर्ड पे इसके बारे में लिखा हुआ था, अभी तो इसको पेंट कर दिया गया है क्योंकि फिर से लिखाया जाएगा इसमें अच्छे तरीके से, ताकि लोग जब भी आए तो इस बोर्ड पे पढ़े। और अभी तो पता नहीं क्या क्या लोग लिख दिए हैं, R+H MY कुछ भी, MC Stand यहाँ लिखा हुआ है देख लो। तो यही है वो टावर गाइस जो रातों रात बन के तैयार हुआ था। तो यही है अपना पार्क पाकुड़ का छोटा सा प्यारा नज़ारा, आप लोगों को यहाँ से दिखा दूँ। तो कैसा लगा पार्क आप लोग कमेंट करके बताना। तो यही है वो टावर गाइस जो रातों रात बन के तैयार हुआ था एक रात में। सो गाइस फाइनली अब मैं जा रहा हूँ बाहर, अब मेरा काम हो गया। और यहाँ वैसा कोई बैकग्राउंड मिल ही नहीं रहा गाइस, पार्क है ठीक है, नाम का नहीं, ये घूमने लायक बहुत अच्छा जगह है, मगर मेरे रील्स के लिए कोई अच्छा बैकग्राउंड मिला ही नहीं, और लोग भी बहुत कम है। तो अभी चलते हैं बाहर, और बगर में ही लवर पॉइंट है, यहीं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट, अब पार्क से बाहर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ, और अभी यहीं पर अब रील्स वीडियो बनाता हूँ, उधर रोड पर 3 रील्स वीडियो बनाऊँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का जाके फॉलो करो, आप तो फॉलो नहीं करते हो। बस अब मैं बाहर निकल गया, अब यहीं पर वीडियो बनाता हूँ रील्स वीडियो। तो अभी रील्स वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। सो गाइस अभी मेरी रील्स वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि अंधेरा हो गया है और लाइटिंग ठीक तरह से नहीं आ रही। फ़िलहाल आज के लिए ब्लॉग ही सही है।